गाइस ये जो महल देख रहे हैं ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा महल है और दूसरा सबसे बड़ा खूबसूरत महल है गाइस। तो गाइस इस समय अभी मैं चौथी मंजिल पर हूँ और चौथी मंजिल पर आप ये पेड़ देख सकते हैं, ये अपने आप में वाकई में इनक्रेडिबल चीज है। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूं उदयपुर के किंग पैलेस में जो कि उदयपुर में सबसे बड़ा महल है, साथ ही साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा महल है। पहला मैसूर में है और दूसरा उदयपुर में है और इसे कहा जाता है उदयपुर का किंग पैलेस। यहां से हमने टिकट ले लिया है, चलिए अब आगे चलते हैं। गाइस टिकट ले लिया है, टिकट जो है मेरा 30 रुपये का है और ये एंट्री टिकट है। और इसके बाद जो म्यूजियम का टिकट है यानी जो पैलेस का टिकट है वो अंदर ही मिलेगा, वो बता रहे हैं 330 या 300 रुपये के आसपास है। तो अभी हम जो है एक तरह से इसे पार्किंग बोल सकते हो, एक तरह से मेन एंट्री बोल सकते हो, उसके बाद और भी बहुत सारी एंट्री जहां हमें क्रॉस करना है। तो गाइस हमने गणेश पोल जो है क्रॉस कर लिया है और एक लुक देख सकते हैं आप ये महल की, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत गाइस। तो गाइस यहां से आप लुक देख सकते हो महल का, बहुत ही शानदार लग रहा है। और यहां से आप ये खिड़की इसकी देख लीजिए, 100 से ज्यादा तो यहां मुझे खिड़की नजर आ रही है। आप सोचो इसका अगर बिहाइंड इस तरह का डिजाइन है तो फ्रंट से कैसा होगा, और साथ ही साथ ये सेंटर में बना हुआ है गोल, तो कितना शानदार लग रहा है गाइस। गाइस इसका आप व्यू देखिए कितना शानदार है, बहुत ही लाजवाब। और ये इस चौक का जो व्यू है ना, यकीन मानिए आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, बहुत ही शानदार। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर, यानी वहां से हमें म्यूजियम का टिकट लेना है, लेकिन लग बहुत खूबसूरत है गाइस। तो गाइस आप देखिए एक साइड में महल है आपको, ये है तुम्हारे किंग पैलेस, और दूसरी साइड में आप देखिए झील है और झील के बीच में भी एक महल आप देख सकते हैं जूम करके, और कितना शानदार नज़ारा है झील का, वाओ गज़ब। इसके अंदर बोटिंग भी हो रही है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा। गाइस आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो देखिए ये दो रास्ते हैं, ये है ताज फतेह प्रकाश पैलेस जो कि होटल है, और अभी आप देखेंगे कि इसके दो पोर्शन हैं, एक पोर्शन जो जा रहा है म्यूजियम की तरफ जहां हम जाने वाले हैं, और एक नीचे वाला रास्ता जो कि एक होटल है, बट वहां पर जाना अलाउ नहीं है, यानी जो फूड लेगा या लंच डिनर करेगा वही जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं शायद एक रास्ता ये है, बट यहां पर एक तरह से इन लोगों ने इस रास्ते को बंद कर दिया है, कितना गज़ब लग रहा है ना। देखो ये रास्ता है बट यहां इन्होंने बंद कर रखा है, अभी हमें और ऊपर चलना है। एक्चुअली दोस्तों मैं तो पैदल आ रहा हूँ, बाकी अगर आप जैसे एजेड हैं और मान लीजिए आपसे चले नहीं जा रहा तो यहाँ पर गाड़ी चलती रहती हैं जो 50 रुपये लेती हैं, वो आपको यहाँ म्यूजियम तक छोड़ देगी। तो गाइस जैसे मैंने कहा था कि इन्होंने कुछ पार्ट जो है रेस्टोरेंट में चेंज कर दिया है, ये सनसेट देखो टेरेंस रेस्टोरेंट है, जस्ट एक रास्ता और था यानी एक गेट था जो बंद कर दिया है, ये भी एक पोल है, और जस्ट अभी हम जाना है इस रास्ते से ऊपर जहाँ हम इस महल को देखने वाले हैं। तो गाइस जैसे आप ऊपर आओगे तो आपको इस साइड पे ये है ये होटल है, और यहाँ भी जाना अलाउ नहीं है। जस्ट सामने देख रहे हैं फतेह पोल, वहाँ पर जो वर्तमान राजा या उनके लोग रहते हैं वहाँ भी अलाउ नहीं है। बराबर में जो है म्यूजियम है जहाँ से हम ऊपर जाने वाले हैं और टिकट लेने वाले हैं। और यहाँ से देख सकते हैं उनके रहने का
पैलेस जो वो अभी भी रहते हैं, गजब। तो गाइस यहाँ का व्यू देखिए, कितना शानदार व्यू है। ये गैलरी है ना, ये इंसान को पागल कर दे रही है। तो गाइस टिकट ले लिया है मैंने, टिकट 300 रुपये का है म्यूजियम का। तो गाइस अंदर एंट्री कर चुके हैं और जस्ट सामने देख लीजिए, ये भी एक तरह से रेस्टोरेंट कह सकते हो आप। और जस्ट सामने इसका मैदान है और इसका जो लुक है ना किले महल का, गजब है। बहुत ही खूबसूरत गाइस व्यूज़ है, आप सिनेमेटिक सीन आप देख सकते हैं इसका। अभी हम जा रहे हैं तोरण पोल से, ये भी एक दरवाजा है आप देख सकते हैं, तोरण पोल बोलते हैं इसको। तो ये गाइस इसके अंदर का व्यू देख लीजिए, वाकई में गजब गाइस। ऐसा महल मैंने आज तक नहीं देखा जो जीवित महल है। तो गाइस ये महल की यानी पैलेस की मेन एंट्री है जहां से हम अंदर जा रहे हैं। गाइस इसका ये सेकंड पोर्शन है जहाँ पर आप महाराणा प्रताप है उनका जो असली वेपन है वो दिखाता हूँ, जिसका वजन जो है वो 35 किलो है। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हैं ये है महाराणा प्रताप कक्ष। तो ये आप उनका सुरक्षा कवच देख लीजिए, साथ में आप देखिए इनका भाला और सामान भाला ऊपर है, और ये देखिए ये वाला इनका भाला है और इनका जो वजन है वो 35 किलोग्राम है। जी हाँ गाइस, ये उनके जो अंगरक्षक हुआ करते थे आदिवासी, उनका ये वेपन है। गाइस ये जो चित्र देख रहे हैं आगे, ये है हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था, इसको यहाँ दिखाया गया है। तो अभी जस्ट हम सामने जा रहे हैं जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ जितने भी आपको गेट मिलेंगे वो सारे छोटे मिलेंगे, जहाँ आपको सर जो है झुकाकर चलना पड़ता है। तो गाइस जब आप अंदर आओगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये है डाक कबूतर का पिंजरा, यानी डाक घर सुना होगा आपने, बट यहाँ पर जो चिट्ठी लाने का जो काम करते थे वो कबूतर करते थे। प्रेजेंट के टाइम पर आपने देखा होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है जासूसी के लिए, यानी इंडिया में सिर्फ एक वाहिद जगह है जहाँ पर बॉर्डर पर आज भी कबूतर जो है चिट्ठी लेकर आता है। तो गाइस यहाँ का आप व्यू देखिए कितना शानदार है, बहुत ही गजब, और ये पेड़ भी काफ़ी पुराने हैं। अभी मैं अंदर की बात करूं तो यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ से देख सकते हैं गाइस जो पिछोला झील है वो दिखाई देती है, और सामने आप देखेंगे ओबराय होटल जो कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा होटल माना गया था कुछ साल पहले। तो गाइस यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। अब मैं ये जो चेयर दिखा रहा हूँ ना आपको, ये चेयर वो है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब मीटिंग हुई थी ना वहाँ पर, यहाँ के जो महाराणा थे वो गए नहीं थे इसलिए सीट खाली थी, और ये 100 साल पुरानी सीट है। तो देखिए अभी भी ये खाली हुई। गाइस मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बता सकते हो कौन सा फ्लोर पर है? शायद आप नहीं बता सकते, बट ये जो फ्लोर है ये 4th फ्लोर है, और यहाँ मैं आपको एक इनक्रेडिबल चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही गजब। पूरा उदयपुर का व्यू यहाँ से देख सकते हो गाइस, बहुत ही शानदार।
गाइस मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये चौथी मंजिल पर है। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो महल बना हुआ है ये पहाड़ी पर बना हुआ है, तो इस जगह पर मिट्टी थी इसलिए पेड़ आप देख पा रहे हो। और यहाँ बीच में जो है होली के लिए पानी का इंतजाम हुआ करता था। तो ये एक तरह से इनक्रेडिबल लगता है, बट लॉजिकली जो है इनक्रेडिबल नहीं है, बट बहुत अच्छा लगता है। गाइस यहाँ के जो रास्ते हैं ना वो इतने खतरनाक और छोटे छोटे रास्ते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से हर रास्ते पे आपको सिर बचाना पड़ता है। ये देखिए, ये शॉर्टकट रास्ता बंद कर दिया है, इस रास्ते से हमें जाना है। ये देखिए, तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये है राधा जी का मीटिंग रूम, और कितना अच्छा बना हुआ है, एक तरह से शीशे का इसमें यूज़ हुआ हुआ है। अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट पे जो हाथी के दांत लगे हुए हैं। तो गाइस ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं चित्रण रूम, यानी पिक्चर रूम, जहां पर आपको पिक्चर्स मिलेंगी बहुत सारी। एग्जैक्टली पहले कैमरे तो हुआ नहीं करते थे। तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूं आपको उदयपुर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो ये है गाइस यहां का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। इतनी शानदार हवा आ रही है बिल्कुल एसी की तरह, और यहां से आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हो। मेरी आवाज़ भी थोड़ी शायद हवा की वजह से प्रॉब्लम कर रही होगी। पूरे शहर का नज़ारा आप यहां से देख सकते हो। तो इस समय मैं बिल्कुल फिफ्थ फ्लोर पर हूं। गाइस मैं बताना चाहता हूं, ये जो पूरा किंग पैलेस बना हुआ है इसमें 90% पजल्स के रूप में बना हुआ है, यानी आप फोल्डिंग के रूप में, यानी इसे उठाकर आप कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हो, इस तरीके से बना हुआ है। अभी जो हम जाने वाले हैं कि ऐसे गुफा में जाने वाले हैं जो बेहद ही खतरनाक है, यानी रास्ते आपको इतने छोटे छोटे मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो आप खुद देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे आपको यहाँ रास्ते मिलने वाले हैं। ये देखिए, एक इंसान से दूसरे इंसान का जाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है मोती महल। इसमें जो शीशे चमक रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली रूम के अंदर से चमकते हैं। जब बाहर से देखोगे तो ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि आपको पहले पता था पर्दे का सिस्टम होता था, उसके वजह से सिक्योरिटी पर्पस है। कितना सुंदर बना हुआ है आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार है। हाँ, और ये वो जगह है जहाँ डांस है, मीटिंग है, क्या बोलते हैं, दीवाने खास, दीवाने। नीचे जाएंगे देखो कितना सुंदर मोर है, सामने राजा, ये सटर वाली खिड़कियाँ होती है ना, अंदर से बाहर देख सके, बाहर वाला अंदर ना देख सके, और बाहर दीवाने। यहाँ पर क्या प्रोग्राम होगा होली का? तो गाइस ऐसा बोला जाता है यहाँ का दीवाने खास, और ये एग्जैक्टली एक तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर दीवाने खास भी था, काफ़ी मीटिंग भी हुआ करती थी, यहाँ तक कि डांस एंड नृत्य प्रोग्राम भी हुआ करता था। और आप पूरा इसका व्यू देख लीजिए। तो गाइस ये जो रूम देख रहे हैं इसे बोला जाता है टेम्परेली डाइनिंग रूम, यानी जो बारिश में काम आता था। तो यहाँ पर राजा जो है भोजन क्या करते थे, और जस्ट सामने आप चौकी देख सकते हैं जहाँ पर बैठ कर वो भोजन क्या करते थे। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये है जनाना महल की तरफ को, ये देखिए। चांदी का पलंग दे दो। गाइस ये जो कक्ष देखोगे या इधर का जो पोर्शन देखोगे इसे रानी महल बोला जाता है। तो स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया था, और यहाँ पर राजा से अलावा किसी और की आने की अनुमति थी नहीं थी। ये झूमर पुराना है, इंडियन के झूमर है, नमन के लिए फांदा है, सर्दी में तापने के लिए सगड़ी है। और आपको पता ही है पहले सब जमीन पर बैठते थे ना। ऐसे अगर आप उदयपुर आएँ तो किंग पैलेस को ज़रूर घूमें, क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा महल है। पहला जो है वो मैसूर का किला है,
महल है और दूसरा ये जो है किंग पैलेस है। यहाँ पर अभी काम चल रहा है, रिनोवेशन हो रहा है और ये बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। और राजस्थान और स्पेशली अगर मैं जयपुर, उदयपुर और इधर साइड की बात करूँ तो ये यहाँ के जो महल और किले मिलेंगे आपको वो अभी भी जीवित मिलेंगे। और ज़्यादातर 90% यहाँ के किले और महल जो हैं वो राजा के अंडर में, स्पेशली महल तो 100% राजा के अंडर में है ही। यहाँ किंग पैलेस का मॉडल बताया गया है कि 1600 शताब्दी में कैसा था, 1700 शताब्दी में कैसा था, 1800 शताब्दी में कैसा था। ये यहाँ का नीचे वाला पोर्शन देख सकते हो आप, जो एग्जैक्टली शादियों में जो है दिया जाता है रेंट पे। ये जो पोर्शन मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ आपको खंडित मूर्ति मिलेंगी, यानी पहले समय में जो खंडित मूर्ति थी वो सारी यहाँ पर जो है सजाई गई है एक तरीके से। और इस पोर्शन में जो मिलेगा आपको म्यूजिक मिलेगा, यानी म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होंगी, तो आप जितनी भी देख लीजिए पुराने मॉडल्स यहाँ पर संगीत के लिए जो यूज़ किए जाते थे राजा जी के समय में वो सारे मिलेंगे। कुछ गिफ्टेड थे, कुछ उनके डेली बेस में यूज़ हुआ थे, वो एक तरीके से यहाँ पर म्यूजियम को सजा गया है। ये पोर्शन भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और एग्जैक्टली यहाँ पर जो है उदयपुर के जो ये किंग पैलेस है इसकी जो सफाई है ना, ग्रूमिंग है, बहुत ही शानदार दोस्तों। तो गाइस ये जो शुरू हो चुका है यहाँ का पिक्चर रूम्स शुरू हो चुका है, जो पूरे महल की आपको पिक्चर्स मिल जाएगी कौन सा पोर्शन कहाँ है, कौन सा पोर्शन कहाँ है। और स्पेशली उदयपुर की आपको जो विरासत है उसकी पिक्चर मिल जाएगी। स्पेशली जो आगे मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ के जो राजा रहे हैं, जो पहले से लेकर लास्ट की जो जनरेशन रही है राजाओं की, वो यहाँ तस्वीर मिल जाएगी। इसको आप पोज करके भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए इसको मैंने फास्ट कर दिया है। तो ये पोर्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस किंग पैलेस में जो घूम रहे हैं वो पूरे किंग पैलेस में घूमना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसका 90% हिस्सा तो बंद ही है, क्योंकि कुछ में होटल है, कुछ में राजा अभी रहते हैं। जितने पोर्शन में हम घूम रहे हैं ना उसकी पिक्चर्स जो हैं आपको सारी यहाँ पर जो है दीवार में टंगी हुई मिल जाएगी। बहुत ही बड़ा पोर्शन है गाइस, कम से कम ऐसा लगता है जैसे आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर हम चलने वाले हैं अंदर ही अंदर। अब जो गाइस हम दिखाने वाले हैं आपको यहाँ के जो राजा हैं वर्तमान, उनकी जो फैमिली है, उनकी मैं पिक्चर्स आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आप सकते हैं, ये है वर्तमान राजा और उनकी वाइफ यानी रानी और उनकी पूरी फैमिली आप देख लीजिए। साथ ही साथ आप ये देखिए, ये इनके लड़के हैं और बराबर में जो थे राजा जी थे। अभी हम जा रहे हैं गाइस नीचे, और नीचे आपको अब जो हम जा रहे हैं वो एग्जैक्टली एक तरह से लास्ट पोर्शन होने वाला है यहाँ का। गाइस ये यहाँ का लास्ट पोर्शन है जो कि रानी महल है, बट इसे ये अब ये किराए पे देते हैं, यानी शादी के लिए, इवेंट के लिए, बर्थडे के लिए। यहाँ पर बहुत सारी शादी जो है यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत शादी पर यहाँ पर जो हुई है। तो आप यहाँ का व्यू देख लीजिए, एक मैं यहाँ का आपको सिनेमैटिक सीन दिखाता हूँ। ये जो महल है ना जो किराए पर दिया जाता है शादी के लिए, और यकीन मानिए इसका लुक है ना बहुत शानदार है। आप मेरे पीछे छतरी देखिए कितनी शानदार लग रही है। अब मैं बताना चाहता हूँ जब ये डेकोरेट हो जाता है ना तो रूम कैसा लगता है, अभी आपके सामने ये देखिए इतना शानदार ये डेकोरेट होने के बाद ये रूम लगता है। तो ये यहाँ से इसके बाहर के एग्जिट है, गाइस ये वो पोर्शन है जहाँ से हम जो है ऊपर गए थे महल दिखाने के लिए वो जस्ट, और अभी हम जो है ये है तोड़ पोल जहाँ से हम वापस जा रहे हैं। और बहुत ही शानदार सफ़र रहा, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का देखने को हमें मिला। सो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। अभी तक मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा महल था, जो जीवित महल है, वो सिंधिया का महल था, बट इसे देखने के बाद फर्स्ट नंबर पर मैं इसे रखूंगा अभी। और बताते हैं कि इससे भी बड़ा महल जो है वो मैसूर महल है, जो अभी हम 17 तारीख को देखने जाने वाले हैं। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।